Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A very good morning, ladies and gentlemen. Today, I'm Maheen Rishad, gonna host this seminar. आज जो हमारा सेमिनार है, ये MS Film & TV के जानिब से अरेंज कराया गया है. Please, put your hands together and welcome our honorary guest. इंसानी जबिलत इससे तकाजे करती है और फिर ये अपने लिए वो चीज़ें तख्लीक करता है, तो फिर एक प्लेटफॉर्म ईजाद हो गया. उस प्लेटफॉर्म को जब बनाया गया, आपने देखें कभी आप बहस कर रहे हैं टेबल पे बैठ के चार लोग तो गुफ्तगू करते हैं, कहना मेरी गाल सुन, कहना मेरी गाल सुन, खड़े हो जाते हैं. आप ऐसे ही होता है ना, आप अपनी बात सुनाना चाह रहे होते, तो वो थिएटर ड्रामा ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आवाज़ भी जाए. इस प्लेटफॉर्म ने, इस थड़े ने जन्म दिया. शुरू में ऐसे लोग बैठते थे, फिर उन्हें यार इतने काटे गए ने तो जगह मुक जाती है. तो फिर वो जो एरिना आपने देखा कदीम यूनानियों का, कि बीच में स्टेज है, चारों तरफ लोग हैं, उस वक्त आग जला के रात को जब थिएटर शुरू किया ना, तो आग जलाया करते थे रोशनी के लिए, और फिर शीशे से रिफ्लेक्ट किया करते थे, लिट करते थे उसको, स्टेज को. उसके बाद दिन से निकल के ड्रामा रात में आ गया, फिर इसमें आहिस्ता आहिस्ता मौसीकी शामिल हो गई, इसमें रक्स आ गया, इसके लवाजमात बनते गए. जुमला बहुत बाद में आया इसके अंदर, म्यूजिक बहुत बाद में आया, जुमला आया इसके अंदर. लेकिन इन सारी बातों से पहले अगर हम सोचें
मौसीकी के साथ जो सुर है सारे गामा पादा नहीं। मजे की बात यह है गामा जो है इसका कोई बुनियाद नहीं है, ऐसा माई बाप कोई नहीं। इसलिए हम इंसानी दिमाग को जब सोचने पर मजबूर करते हैं और ये खुला सोचता है तो इसको ऐसा लगता है कि जब किसी शख्स ने पहली जंग जीतने के बाद और बयान किया होगा कि ओए वो आया मैंने ऐसे किया मैंने गर्दन काट दी उसका घोड़ा गिर गया, उसको जब बयान किया होगा तो अमली तौर पे पहला ड्रामा होगा। या किसी शख्स ने गांव में आने वाले शेर को जो लोगों को खा जाया करता था पहली बार कत्ल किया होगा या मारा होगा उस शेर को, और जब उसने शहरदारों के सामने या गांव वालों के सामने बयान किया होगा तो वो इंसान का पहला अमली ड्रामा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अरस्तु कहा करता था कि ड्रामा जो है कहानी जो है वो एक किरदार की गिर्द बुनी जाती है। आज से 1100 साल पहले हिंदुस्तान और जब ये चाइना के अंदर ड्रामा हो रहा था जिसमें कन्फ्यूशियस का दौर था, तो वो कहते हैं कि जी किरदार कहानी में से किरदार फूटते हैं। और मज़े की बात यह है कि आज का ड्रामा उस नहज पे पहुंच चुका है कि जहां किरदार के गिर्द भी ड्रामा लिखा गया है, बूटा फ्रॉम रॉबर्ट टेक सिंह, और फिर कहानी भी लिखी गई है जिसमें से किरदार निकलाते हैं कमाली जैसे, वो एक कहानी थी, मैं तो बीच में से निकला उसमें से। तो मैंने दोनों तरह से लिख कर देखा। पहली बार मैं आपको बताऊं कि थिएटर पूरी दुनिया में होता रहा, ये सफ़र करता रहा। आगा हशर को हम जानते हैं, असल लखनवी को नहीं जानते। हालांकि हिंदुस्तान में जो बड़ा नाम था लिखने में वो ऐसे लखनवी थे। आगा हशर के अब्बा ने उनको पैसे दिए, वो उन्होंने कहीं पहुँचाने थे लखनऊ, वो खर्च बैठे रहा था, उनको कुदरत से शौक था पीने पिलाने का। अब वो पैसे पूरे करने के लिए वो एक कंपनी में गए, उनसे जाके कहा जी मेरे को ड्रामा लिखा लो, मेरे पैसे भुक गए हैं। आगा हशर की इब्तदा अगर आप पढ़े आप बड़ा मजा लेंगे इस चीज़ को। और आगा हशर ने क्योंकि उस दौर में शेक्सपियर जी तो उसको उन्होंने लिया, और फिर आपने देखा कि वो आगा हशर ने कैसे काम किया। बल्कि उन्होंने एक फिल्म भी स्टार्ट की थी, वो बीच में रह गई और उनकी डेथ हो गई थी। जेल रोड 7 या 8 जेल रोड पर उनकी कोठी हुआ करती थी, वो उसका भी किस्सा आपको जरूर तारीख में मिलेगा। तो ड्रामा जब रिकॉर्डिंग हो गई तो फिर वो यहाँ आ गया, और फिर उसमें से ही फिल्म निकले, उसी में से टीवी आ गया। एक बात देखें, मैं आया था, मुझे नहीं पता, मैं इस मामले में शायद जानता नहीं, मलिक साहब ज़्यादा जानते होंगे। 94-95 में ना 2 साल का डिप्लोमा हो रहा था गोयथे इंस्टीट्यूट में, जहाँ चैनमैन है। तो मैं शुगर में वहाँ चला गया, काम कोई हिखा नहीं थी, मैं चलो यार एक्टिंग करिए, तो मैं वैसे ही चला गया था। आप बच्चे हैं, आपके दौर में ना करियर काउंसलर मिलते हैं, आपको पता है, सामने तो पता ही नहीं थी ऐसे करना कि ये किधर को जाना है की करना। तो मैं वैसे ही चला गया था ड्रामा पढ़ने। मैंने 2 साल पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और इप्सन ड्रामा अकेडमी नॉर्वे की तरफ से शाकिर अली म्यूजियम में ड्रामा पढ़ाया है। मेरे स्टूडेंट इस वक्त काम कर रहे हैं। मैंने स्ट्रीट थिएटर किया 11 साल इस लाहौर में, और मैं खुद प्रोड्यूस करता था, अपनी छत पर रिहर्सल करता था, खुद ही स्क्रिप्ट लिखता था और खुद ही फिर हम जाके परफॉर्म कर दिया करते थे, जिसको नुक्कड़ थिएटर कहते हैं स्ट्रीट थिएटर। बहुत सारे अदवार गुजरे। ड्रामा इम्पैक्ट करता है। देखिए एक प्रोग्राम बनाया था काशी निज़ार ने 75 mm ऑन बार, अगर आपको याद हो, पिछले सदी बल्कि उससे पिछली सदी की सबसे जोरावर तरीन जो मीडिया था वो थी स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन। इससे लोगों की जिंदगी बदल दी। ड्रामा आपके ऊपर असर करेगा और ड्रामा आप पे असर करता है। इसलिए इफ्तिखार इफ्फी को एज राइटर इस बात का बहुत ख्याल रखना है। कुंवारा बाप कब बनी थी? 60 साल पहले बनी थी, जिसमें वो जो बच्चे जो लोग फेंक जाते हैं, और ख़ास तौर पर जो जिसको हम कहते हैं ट्रांसजेंडर, इन दो को मौजूद बनाया गया था। दो आंखें 12 हाथ हिंदुस्तान की ले लें या पाकिस्तान की, ये अमन और इस तरह की बेताशा फिल्में जिन्होंने एजुकेट किया हमें। ये जो गंडासा है आज या जो हमारे अंदर एग्रेशन है, ये भी सिनेमा ने हमें दी है। हमारे अंदर एग्रेशन आगे पंजाब साढ़ा थे बाबा भुले शाह पंजाब से, मतलब हम उस पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, उस धरती से, कि जहाँ एक गाँव का जवाई होता था और वो कहते थे एक घर का, कहते थे साढ़े गाँव पिंड का जवाई है। तो ड्रामा इंसानी जिंदगी पर असर करता है, असर करता रहेगा। ये एक लिखारी की जिम्मेदारी है कि वो कहानी क्या सुना रहा है और किस अंदाज में सुना रहा है।